Good morning guys, welcome back to my YouTube channel, welcome back to a brand new episode, brand new vlog. और ये मोगली वाले बाल अच्छे हो चुके हैं, खेलने वाले आती है मुझे से सुबह सुबह. एप्पल साइडर विनेगर मेरे हाथ में है. वैसे होता तो बड़ा कड़वा ही है लेकिन बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट है. पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि इसको पीने के इतने फ़ायदे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते. मुझे सबसे बेस्ट फ़ायदा ये लगता है कि मेरे को एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, मैं इसको दिन में दो बार पीता हूँ. एक बार सुबह उठते साथ एक टेबल स्पून और एक बार रात में सोने से पहले एक टेबल स्पून. मेरी एसिडिटी एकदम गायब हो गई है और इसके सारे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी है. बट उससे अपने को क्या करने गए, अपने को तो सिर्फ एसिडिटी के लिए पीने गए. लेकिन बहुत कड़वा है बॉस. अभी फटाफट रेडी होता हूँ और कार्डियो पे मिलता हूँ. सो जस्ट डन विद एन कार्डियो सेशन, डिड 45 मिनट्स. कोच ने 15 मिनट कार्डियो कम कर दिया ये वीक में, नेक्स्ट वीक में बढ़ जाने वाला है. और ये देखिए मेरा देखो कैमरे में आने से इतना डरता है ना इशू. वेल इशू इज वन ऑफ द ट्रेनर इन साइज जिम एंड आई लव दिस गाय, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल. सो नाउ जस्ट गोना शो यू माय कंडीशन एंड देन आई विल गो होम, टेक शावर, ईट फूड एंड प्रे नमाज. Which is very important. खाना तो बहुत पहले ही आ गया था लेकिन जब दिन में तुमको सिर्फ दो बार काब्स मिले ना, तो जो पहला वाला और दूसरा वाला काब मिले ना, उसको बहुत प्यार से खाने का. सो थैंक यू फूड कंपनी. आप खाना घर पे भी डिलीवर करते हो, रेस्टोरेंट में भी देते हो और अच्छा अच्छा बनाते हो. तो जिन जिन लोगों को फिट फूड कंपनी से खाना खाना है तो प्लीज़ फिट फूड कंपनी को कॉल कर ले. वो अवेलेबल है जोमैटो पे, टोमेटो पे और कहाँ कहाँ पे आई डोंट नो. और उनकी ब्रांचेस अभी है ओशिवारा में, जुहू में, मलाड में और थाने में, हैदराबाद में, बेंगलोर में और बहुत सारी जगह. मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाके उनके बारे में रिसर्च कर सकते. अभी मैं अपना मेन नंबर वन ओट्स एंड एग्स, ये नया फार्मूला मैंने चालू किया. आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखा होगा. बेसिकली होता क्या है ना कि मैं बॉयल एग्स करता हूँ, उसके बाद मैं उसको टुकड़ों 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 में पीस कर देता हूँ, उसके बाद मैं उसका ओट्स बनाते. जो ओट्स वाला मैंने एक व्लॉग में बताया था, जो दालचीनी पाउडर, दालचीनी और काली मिरी पाउडर और पिंच ऑफ सी सॉल्ट मिक्स करके बनाता हूँ. इससे थोड़ा टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए ये और वो मिक्स करके एक बिरयानी के जैसे खाने में बहुत मज़ा आता है. और इसको प्यार से जो खाने का मज़ा है ना बॉस, ये सिर्फ वही जान सकता है जिसको दिन में काब्स नहीं मिलता है. ये देखो बॉडी तो काब्स, नो काब्स, नो बॉडी. ऐसा नहीं है, कम काब्स से अच्छी बॉडी बनती है ऐसा सुना है. तो अपन भी ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करने में क्या जाता है. वैसे भोगली वाले बाल ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं आजकल. तो अभी ये खा के फटाफट नमाज पढ़ के मुझे ये टी शर्ट्स डिलीवरी करने, डिस्पैच करने जाने. बेसिकली बहुत सारे लोगों ने इस टी शर्ट्स के लिए ऑर्डर दिए थे एंड आई एम रियली रियली सॉरी बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल मैं आप लोगों को भेज नहीं सका. बट डेफिनेटली अभी मैं नमाज पढ़ने के बाद मैं ये टी शर्ट जाके कुरियर कर दूंगा आपके एड्रेस पे. जिन लोगों को नहीं मिला आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले. आप लोगों को ये टी शर्ट मिल जाएंगे. और अगर आप में से जेके एथलीट्स के टी शर्ट यूज़, बिकॉज ये बहुत लिमिटेड एडिशन टी शर्ट है जिसके अंदर है आई लव हेटर्स एंड बर्न बेबी बर्न, ये दोनों टी शर्ट मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है. इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके ले सकते हो. और वो टी शर्ट फ्लैट 50% ऑफ पे है. बिकॉज इट्स अ लिमिटेड एडिशन टी शर्ट, मेरे पास में सिर्फ 60 या 70 टी शर्ट बचे होंगे. सो बुक ए टी शर्ट नाउ. अगर आप अभी बुक करते हो तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीक तक के आपके घर पे पहुंचा दूंगा. बिकॉज आने वाला वीक मैं पूरा मुंबई में और मैं फोकस कर रहा हूँ अपनी बॉडी पे. सो व्हाट यू वेटिंग फॉर, यू ऑर्डर टी शर्ट, आई एम गोइंग फॉर फूड. फूड के बाद में लावत पर. तो नमाज हो गई, मस्त प्रे बॉय बन जाते, अब बन जाते प्ले बॉय. यस मोगली चाचा उड़ जाओ. वैसे आज मैं अपने आप बाल सेट करना सीख गया तो मुझे लगता नहीं अब डिफ़िकल्टी होगी. और मैं अभी आ गया हूँ फिट फूड में, आप देख रहे हो फिट फूड. यहाँ से मैं मेरा खाना लेने आया हूँ. ये देखो ये मेरा खाना लेके अनवर आ रहा है. वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू अनवर. सो दिस इज़ माई मील नंबर टू
एंड दिस इज माई मील नंबर. अबे वाटर तीसरा कहाँ है? उसके अंदर ही है. सो दिस इज मील नंबर टू एंड दिस इज मील नंबर थ्री. जरा दिखा दो. यस मील नंबर टू एंड मील नंबर थ्री. परफेक्ट अनवर, रख दो इसको आप इसके अंदर. सो बिकॉज मैं अभी जा रहा हूँ जे बी नगर अंधेरी ईस्ट एक मीटिंग के लिए. मुझे नहीं पता मैं कैसे जाने वाला हूँ, बिकॉज गूगल मैप पे 40 मिनट दिखा रहा है और मुझे 20 मिनट में पहुँचना है. तो होपफुली मैं मेट्रो के इधर गाड़ी पार्क करके मेट्रो में चला जाऊँगा, बिकॉज कभी कभी नॉर्मल लाइफ भी जीना अच्छा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मेट्रो से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, प्लेन से जाओ, इंसानियत से जाओ. ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, वो तो मैं आपको बता दूंगा. फिलहाल मेरा कुछ पार्सल आया है. ओके थैंक यू. तो मेरा एक पार्सल आया, वो भी मैंने कलेक्ट कर लिया. थैंक यू अनवर, एंड मैं आप लोगों को मिलता हूँ जीवी नगर. ऑलमोस्ट 20 मिनट ड्राइव करके मैं स्टार बाजार के सिग्नल पे पहुंचा. इसके बाद डीएन नगर है और मैप में अभी भी 35 मिनट दिखा रहा है. तो वाइज डिसीजन यही होगा कि मैं चुपचाप गाड़ी पार्क करूँ, मेट्रो पकड़ूँ और मेट्रो से जाऊँ. वरना तो बॉस मुझे नहीं लगता है कि ये 1.5 घंटे से पहले लेके जाने वाली, बिकॉज गूगल मैप पे इंडिया में कभी भरोसा मत करना, कभी नहीं. द लिटरली ट्रैफिक इज टू मच दैट फाइनली आई गॉट अ स्पेस समवेयर नियर द सिग्नल. आई पार्क्ड माय कार देयर एंड यू कैन सी दैट इट्स नॉट इवन मूविंग, इट्स टू मच एंड आई हैव टू गो दिस प्लेस द मेट्रो स्टेशन. सो आई विल बी गोइंग बाय मेट्रो एंड इट्स ड्रिजलिंग. आई एम नॉट यूज्ड टू इट बट यस मज़ा आ रहा है. अमेरिका में करने मज़ा आता है, दुबई में करने मज़ा आता है, इंडिया में करने मज़ा इसके लिए नहीं आता बिकॉज मोस्टली लोग रूल्स नहीं फॉलो करते और सब अपनी अपनी घाई में रहते, कोई लेन नहीं पकड़ता है. बट ठीक है, आज मुझे मज़ा आ रहा है. ये रिटर्न में डीएन नगर तक ही चलेगा, वर्सोवा तक चलेगा पक्का ना? फाइन वाइन तो नहीं मारेंगे? अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेट्रो स्टेशन पे. बेसिकली आई एम नॉट यूज्ड टू इट, मैं कभी इतना रेगुलरली ट्रैवल नहीं करता. तो ये जो कॉइन आप देख रहे हो, ये ग्रे वाला कॉइन है जिसका मैंने रिटर्न टिकट लिया था. फॉर्चुनेटली मैंने बिल संभाल के रखा था, तो जब मैंने कॉइन डाला तो मेरा कॉइन रिटर्न तो आया, लेकिन नीचे 3-4 कॉइन गिरे थे और मुझे नहीं पता था कि उसमें से मेरा कॉइन कौन सा है. तो मैंने शाणपति करके 2 कॉइन उठा लिए और 1 कॉइन छोड़ दिया. मैंने जाके बोला कि सर मेरा कॉइन कौन सा है ये बताइए. बहुत मगजमारी हुई. बिल था इसलिए मुझे मेरा कॉइन मिल गया, बाकी के सारे कॉइन मैंने उनको डिपॉजिट कर दिए. इसलिए कभी भी अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो तो बिल साथ में रखना अगर आप नए हो. सो इन बिटवीन मीटिंग मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी थी और मेरा टाइम भी 1/2 घंटा लेट हो चुका है, तो मुझे खाना नहीं मिस करना था. और हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ के मीट कर रहे थे, तो रेस्टोरेंट वाला ने बोला सॉरी वी आर नॉट अलाउड टू अलाउ यू टू ईट आउटसाइड फूड. नो प्रॉब्लम, आई एम इन द लॉबी, दैट्स माय मील, नोबडी कैन स्टॉप मी टू ईट माय मील. बाय द वे गणपति बप्पा की मस्त म्यूजिक चल रही है, नाचने का दिल कर रहा है. सो द प्लान वॉज टू गो स्टारबक्स, हैव कॉफ़ी एंड मीट अ फ्रेंड. बट मुझे रास्ते में याद आया कि रोज़ रात में जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरी रिस्ट बहुत पेन कर रही है. सो आई कॉल्ड मासूमा से हाय. हाय डॉक्टर मासूमा, जिनका मैं इंस्टाग्राम पे फ्री में प्रमोशन करता हूँ. आज भी फ्री में ही कर रहा हूँ इनको कोई पे. ये देखो जैसे कुछ भी बोलो तो फटक से मार. सो बेसिकली मेरे रिस्ट में बहुत दिनों से पेन हो रहा है. आप लोगों ने अगर मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था तो जब मैं 150 पाउंड का डंबल इंक्लाइन डंबल प्रेस पे मार रहा था तो लेफ्ट वाला हैंड ट्विस्ट हुआ था, बट मैंने कंट्रोल करके बचा लिया था. अगर आपने नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं. उसके अंदर मैंने अपना करंट शेप, करंट स्टैक और करंट वर्कआउट बताया था. उस दिन की वजह से आज तक के मुझे बहुत पेन हो रहा है. तो फाइनली मैंने मासूमा को कॉल किया एंड मासूमा सो स्वीट, शी लेफ्ट द क्लिनिक बट शी केम बैक बिकॉज माई रिस्ट इज पेनिंग एंड शी नो दैट आई एम गोना ट्रैवल. And that's what she's doing here now. That's painful. So after doing a needling, मेरे shoulder में भी pain था. तो अब जब आए तो पूरे पैसे वसूली कर ले. एक shoulder हो गया, एक जगह बाकी है. But meal should be on point. This is my meal and this is my new friend Samana. Say hi. Namaste. Say hi. What are you playing? Hi. Huh? Which game? Okay, do you watch my video on YouTube? Samana said, did you see his video? You just saw that, right? I was doing something. Who was he?
You say that you watch. Why are you lying? You don't watch. You just watched, right? Say, I saw. And how is his body, Samana? Okay, what I have big? What are you saying? Samana, how he has big arms? What big? Say, big arms. How did you show? Show. How did you show big first arms? First show this. Big arms. Big arms. So, Samana is basically Masuma's daughter. She's very cute. I'm meeting her for the first time. And I'm eating all this for the all time. By the way, this is dry cupping, not hijama. Hijama अलग होता है, dry cupping अलग होती है. Dry cupping ये है जिसमें blood नहीं निकलता, एक हाथ का हो गया, एक हाथ का बाकी है. जितना काला हुआ, इसका मतलब उतनी तुमने उस muscle की band बजाई है. Hijama वो होता है जिसके अंदर blood purification होता है, detox होता है, blood निकला जाता है. तो ये dry cupping है, इसको hijama नहीं बोलते. There's a difference between hijama and dry cupping. और कुछ लोग इसे चाइनीज कपिंग भी बोलते हैं. तो चाइनीज भी बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा काम तो तुम्हें बताना है ना समाना. सो एज आई सेड दैट आई एम गोना ट्रेन समबडी, बेसिकली आई एम हियर टू ट्रेन मिस्टर गांधी, मिस्टर मनीष गांधी. आई एम नॉट हिज ट्रेनर, बट जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ और पर्सनल ट्रेनर से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. सो आई लव ट्रेनिंग पीपल. जब भी मुझे टाइम रहता है तो जो मेरे आसपास के लोग रहते हैं उन्हें ट्रेन कर देता हूँ. मनीष सर का मैसेज आया कि जुनेद अगर फ्री है शाम को तो लेट्स बैक टुगेदर. सो मैंने बोला व्हाई नॉट. सो वी आर एट हिज बिल्डिंग जहाँ पे वो जिम करते. तो मैं ट्रेन दिस इज ज़ीरो शुगर मॉन्स्टर. कॉफ़ी नहीं पी पाया तो ये ले लिया बिकॉज एनर्जी की सख्त ज़रूरत थी. आई एम गोना ट्रेन हिम नाउ. Before that, I'll show you this apartment. This is a really beautiful apartment. Session with Mr. Gandhi, the man himself, the man on a mission. कैसा लगा इंडिया के बेस्ट पर्सनल ट्रेनर के साथ? माइंड ब्लोइंग. वैसे मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मुझे अवार्ड मिला था इंडिया बेस्ट पर्सनल ट्रेनर इन 2015 बाय मेंस हेल्थ. So, how was the training session? Excellent, superb. Will you recommend me somewhere? Absolutely, always. Unfortunately, I only do online training. So, if you are looking for online training, the link in the description box. वो जिम से निकल के ये जिम. Good evening, कैसे हो आप? सबको good evening बोलो. ये रोज मुझे सुबह गुड इवनिंग और मैं इनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते रहते हैं ना. रोज बोलते कि नहीं हम एक दूसरे को. इसी तरह आप भी कभी जाओगे तो सबको गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोला करो. किसी का दिन किसी की रात अच्छी हो जाती है. सो जस्ट हैविंग माय शेक. बेसिकली मेरा जो मील नंबर 4 था वो था फिश. बट आप लोग देख ही रहे हो कि मैं इधर उधर भागम दौड़े में लगा हूँ, कभी किसी को ट्रेन कर रहा हूँ. अभी खुद के वर्कआउट के लिए आया हूँ, भाई ऊपर वेट कर रहे हैं. सो मैंने डिसाइड किया कि शेक पीना बेटर ऑप्शन है, मील का मील भी. वरना फिर क्या होगा ना, रात में लेट होने की वजह से एक आध मील स्किप हो जाएगा, वो मुझे करना नहीं है. फिनिश्ड अ ग्रेट ट्रेनिंग सेशन, डिड बैक टुडे. अब मैं बैक की एक्सरसाइज शूट इसके लिए नहीं किया बिकॉज मैक्सिमम टाइम मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ तो बैक या चेस्ट ही दिखाता हूँ और लोगों की कंप्लेंट थी. तो मैंने सोचा कि आज बैक की वर्कआउट नहीं दिखाते. सो बैक वर्कआउट किया. डेफिनेटली जब नेक्स्ट टाइम लेग्स करूँगा तो उसके एक अलग से वीडियो बनाऊँगा. आई एम प्लानिंग टू डू कपल ऑफ वर्कआउट वीडियो बिफोर आई फ्लाई टू माई इंटरनेशनल टूर. वो कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, वो तो आपको जाने के टाइम पे पता चलेगा. बट अभी के लिए जस्ट डन विद द वर्कआउट. उसके बाद मैं 45 मिनट्स कार्डियो कर लिया. एज आपको मैंने सुबह ही बताया था कि कोच ने 45 मिनट्स कार्डियो कर दिया 1 आवर से. वैसे दिन में 2 बार 1 आवर करता था और अभी 45 मिनट्स कर दिया. एंड यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ कपिंग एंड द पम्प इज रियल. आई एम गेटिंग देयर. सो वेल guys, I'm just gonna eat now. So guys, आज के लिए इतना ही रखते. I hope you like this video. So make sure like button दबाए बगैर मत जाना. और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? इतना एंटरटेनमेंट ब्लॉगर कहाँ मिलेगा आपको? वो ब्लॉगर कहाँ मिलेगा आपको? एनीवेज गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. दुआ में याद रखना, जायदाद में किसी का भाग मत रखना.